हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन इंस्टीट्यूट। पंकज त्रिवेदी स्वागत करता है आपका क्वेश्चन इंस्टीट्यूट में। सफर चल रहा है हमारा एडजस्टमेंट्स का। आज के इस वीडियो के पहले हम लोग 28 एडजस्टमेंट सीख चुके हैं। इस वीडियो के पहले जो दो वीडियोस हमने बनाए थे वो थे रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स के बारे में, जिनमें हमने 9 रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट सीखे, और उसके पहले भी हमने वीडियोस बनाए बाकी एडजस्टमेंट्स के लिए। अब तक 28 एडजस्टमेंट सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम और 4 एडजस्टमेंट सीखेंगे। 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 32, 32। आज हमारा 32 एडजस्टमेंट्स का आंकड़ा पूरा होने वाला है। आज जो हम एडजस्टमेंट सीखने जा रहे हैं 4, पहले उनका हेडिंग देखिए। हेडिंग है एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू ओनर्स। व्हाट डू यू मीन बाय ओनर्स? सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो ओनर कौन? सोल ट्रेडर। और पार्टनरशिप फर्म है तो ओनर कौन? पार्टनर्स। तो बिजनेस को, इन ओनर्स को जो पैसे देने हैं, उन पैसे को लेकर आज हम 4 एंट्री सीखने वाले हैं। इसलिए हेडिंग है एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू ओनर्स। और ये 4 एंट्रीज है हमारे पास, देखिए 29, 30, 31 एंड 32। अगर आप 29 समझोगे तो आपको 30 इजीली समझ में आएगा, और 31 समझोगे तो 32 इजीली समझ में आएगा। आपस में लिंक है, तो इस तरह से हमको मूव करना है। ओके, तो आज की पहली और सीरियल नंबर 29। इसके पहले कितने एडजस्टमेंट्स हुए? 28। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे प्लीज देखिए, 28 एडजस्टमेंट्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सर्च कीजिए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे लाइन से पार्ट 1, 2, 3 करके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक एक करके सब देखेंगे तब ये आज का वीडियो आपको जल्दी से बेटर समझ में आएगा। सो प्लीज गो थ्रू ऑल द एडजस्टमेंट्स, ऑल द वीडियोस वी हैव डन टिल नाउ, प्लीज पे अटेंशन। आज का पहला सीरियल नंबर 29, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा डालता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। तो बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा डालता है उसको कहते हैं कैपिटल। तो बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि उस कैपिटल के ऊपर बिजनेसमैन को क्या दे? इंटरेस्ट। क्या दे? इंटरेस्ट। जब हम बाहर से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं कि नहीं? यस। तो ओनर से पैसा लेंगे तो उसको भी क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स थोड़े अलग है, जो हमने फर्स्ट और सेकेंड जो थियरी वीडियोज बनाए थे उसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे, थोड़े बहुत रूल्स आज फिर से रिवाइज होंगे, प्लीज पे अटेंशन। तो ओनर्स जो कैपिटल देते हैं उस कैपिटल पे उनको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट। तो उसको कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड दिस इंटरेस्ट इज पेबल। बिजनेस के लिए वो इंटरेस्ट क्या है? पेबल। किसको पेबल होता है? ओनर्स को। सो द इंटरेस्ट विच इज पेबल टू द ओनर ऑन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए? अब अगर आप 11th में पढ़ रहे हो FYJC में तो आप पढ़ेंगे सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स, और अगर 12th में पढ़ रहे हो SYJC में तो आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो देखिए 11th और 12th के हिसाब से फिर से ए और बी दो अलग अलग एंट्रीज है। पहले 11th वाले ध्यान दें, 11th में किसका फाइनल अकाउंट्स है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर में कैपिटल किसने दिया होगा? सोल ट्रेडर ने। तो उस सोल ट्रेडर के कैपिटल पे क्या देगा बिजनेस उसको? इंटरेस्ट। एंट्री ध्यान से देखिए, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सोल ट्रेडर, और उसके ऊपर बिजनेस क्या देने वाला है? इंटरेस्ट। उसको कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों दिया पता है? क्योंकि बिजनेस के लिए वो एक एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? फाइनेंस एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? फाइनेंस एक्सपेंस। एंड फाइनेंस एक्सपेंस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इसलिए हमने डेबिट किसको दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एक्सपेंस है, एंड फाइनेंस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में सीखा हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाता है और क्यों जाता है। तो डेबिट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सेकेंड इफेक्ट टू कैपिटल, लायबिलिटी साइड एड टू कैपिटल। देखिए कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट होता है, और हमने कैपिटल को क्या दिया है? क्रेडिट। तो कैपिटल में इंटरेस्ट एड हो जाएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट डेबिट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे एड टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना होता है वो उस कैपिटल में एड किया जाता है ताकि हमारा कैपिटल बढ़ जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैपिटल में एड होगा प्यारे बच्चों, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। सो सिंपल इट इज। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल contributed by the sole trader? FYJC वाले, 11वीं वाले ध्यान दे, what is the entry for interest on capital contributed by the sole trader? Entry, interest on capital account debit to capital. Effect, interest on capital जाएगा profit and loss account debit side, और capital में add होगा। It is so simple, clear? Okay.
अब ट्वेल्थ वाले SYJC, अगर आप SYJC में हो तो कौन सा फाइनल अकाउंट है? पार्टनरशिप। तो कैपिटल कौन दे रहा है? पार्टनर्स। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे, ए है, बी है, सी है, उन सबको कैपिटल पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इसलिए अभी हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इट इज पेबल टू पार्टनर्स। सो व्हाट इज द एंट्री इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल टू द पार्टनर्स इन SYJC? बारहवीं वाले ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट के ऊपर किसको डेबिट किया था? सेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ क्रेडिट अलग है। अगर आप ध्यान दें, डेबिट सेम था। देखिए यहाँ पर क्रेडिट किसको दिया था? टू कैपिटल, और यहाँ पे लिखा है टू पीसी अकाउंट। क्रेडिट इज डिफरेंट। किसको क्रेडिट दिया हमने? पीसी। पीसी का मतलब पता होना चाहिए जिसने पिछले वीडियोस देखे। पीसी का मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ट्वेल्थ में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है, नया अकाउंट बनता है प्यारे बच्चों। क्या नाम है उसका? पीसी अकाउंट। पीसी का फुल फॉर्म पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो उस पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आपको लिखना पड़ेगा बाय करके, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मतलब वही होगा, जब आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे ना, ए के कैपिटल में, बी के कैपिटल में, सी के कैपिटल में, तो ए बी सी का कैपिटल बढ़ जाएगा। सो अल्टीमेटली ऐड ही हो रहा है। यहाँ पर 11th में सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं हम, उस कैपिटल में वो इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। तो 12th में हम लोग बैलेंस शीट में डायरेक्ट नहीं लिखते, अलग से अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट का नाम है पीसी अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखो, और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाए तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखो। जो अकाउंट कब पार्टनर्स कैपिटल बनता है, कब पार्टनर्स करंट बनता है, वो ऑलरेडी उस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो प्लीज ये भी देख लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता कैपिटल करंट में क्या डिफरेंस है, पिछला वीडियो देखिए, जो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल और करंट से रिलेटेड है, सर्च कीजिए आपको मिलेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और कैपिटल में आए FYJC। और ट्वेल्थ में व्हाट इज द एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीसी अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है? फिर से वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेम फाइनेंस एक्सपेंस है। लेकिन सेकंड इफेक्ट पीसी अकाउंट क्रेडिट साइड, पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल और करंट। और इस एंट्री को लेकर एक इम्पोर्टेंट नोट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल बैलेंसेज, नॉट ऑन द करंट बैलेंसेज। आपको एंट्री क्या है, हेडिंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमेशा जो भी परसेंटेज आपको दिया होगा, आपको कहा जाएगा प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 10% किसका निकालना है आपको? कैपिटल का, करंट अकाउंट का 10% नहीं। भले ही आपने बनाया होगा करंट अकाउंट, बिकॉज पीसी स्टैंड्स फॉर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन वो जो आपने अमाउंट निकाला परसेंटेज, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल पे, भले आप उसको करंट में डालें। जब प्रॉब्लम आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। आप फिलहाल इस नोट को ध्यान से दिमाग में बिठा दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? कैपिटल बैलेंस पे, करंट में, करंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाला नहीं जाता। भले आप उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करें, लेकिन एज अ परसेंटेज वो किस पे कैलकुलेट होता है? कैपिटल पे। प्रॉब्लम आएगा तब मैं समझा दूंगा, अभी आप इसको याद रखें। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज फॉर 11th एंड दिस इज फॉर 12th। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आता है अपोजिट, इंटरेस्ट ऑन रॉई। जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे लेके जाता है, उसको कहते हैं ड्रॉइंग। द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो अब देखते हैं कि जिस तरह से कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसी तरह से ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा है? पेबल। इट इज पेबल बाय द बिजनेस, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज रिसीवेबल बाय द बिजनेस। तो अगर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे पैसा लेके जाएगा तो उसको ड्रॉइंग कहेंगे, और उस ड्रॉइंग पे वो बिजनेस उस बिजनेसमैन के पास से क्या लेगा? इंटरेस्ट। तो उसको कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और आप ध्यान से देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल बाय द बिजनेस, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज रिसीवेबल बाय द बिजनेस। एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। अगर ये आपको समझ में आए तो ये भी आना चाहिए। चलिए फटाफट, तो फिर से FYJC में कौन है? सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर ने जो ड्रॉइंग किया, उस ड्रॉइंग के ऊपर बिजनेस क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। सो उसको कहा जाएगा इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग। क्या कहा जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग। तो अगर सोल ट्रेडर ने, 11th वाले FYJC वाले फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, अगर सोल ट्रेडर ने ड्रॉइंग किया है और बिजनेस ने उसके ड्रॉइंग पे क्या चार्ज किया है? इंटरेस्ट। तो उसकी एंट्री देखिए अपोजिट है। यहाँ पे क्या एंट्री थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। उल्टा कर, व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट।
एग्जैक्टली अपोजिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। अब इसका रीजन देता हूं, जैसे कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, इसलिए देखिए लायबिलिटी साइड लेस फ्रॉम कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता था, कैपिटल में एड होता था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, कैपिटल में से लेस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्यों, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, फाइनेंस एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहा जाएगा, देखिए ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि बिजनेस के लिए वो इनकम है। क्या है इनकम, कौन सी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सारी इनडायरेक्ट इनकम कहा जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। जस्ट सी, कंपेयर करो आराम से, इलेवेंथ वाले ये एंट्री को देखो, इसको देखो, समझ में आएगा क्या एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल में एड, तो यहां पर फर्स्ट इफेक्ट कैपिटल में से लेस और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। समझ गए, एक बार फिर से बताता हूँ, व्हाट इज एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एफआईजेसी सोल ट्रेडर, व्हाट इज एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, एंट्री है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और कैपिटल में से क्या होता है लेस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को बढ़ाता है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल को कम करेगा, जितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कैपिटल कम हो जाएगा, तो इसलिए लेस फ्रॉम कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि बिजनेस के लिए वो क्या है इनकम है। लेकिन यही ड्रॉइंग अगर पार्टनर्स ने किया हो, एसवाईजेसी वाले बारहवीं वाले पार्टनर्स ने जो ड्रॉइंग किया होता है उसको कहते हैं पार्टनर्स ड्रॉइंग। ए ने ड्रॉ किया, बी ने ड्रॉ किया, जिस जिस पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ किया होगा फर्म उसके पास से क्या लेगा इंटरेस्ट, तो उसकी एंट्री क्या है देखिए, पीसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहां पे क्या एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीसी का उल्टा, पीसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उल्टा है देखिए। सो अगर पार्टनरशिप के कैपिटल पे जब इंटरेस्ट दिया जाता है तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीसी अकाउंट, पीसी स्टैंड्स फॉर पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। लेकिन वही पार्टनर्स अगर ड्रॉइंग करते हैं और उसके ऊपर क्या लिया जाता है इंटरेस्ट, तो उसकी एंट्री होती है पीसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। तो पार्टनर्स के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, एंट्री होगी पीसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। इफेक्ट देखिए, पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। देखिए क्रेडिट साइड यहां पे किसको डेबिट दिया, कैपिटल को, यहां पे किसको डेबिट दिया पीसी को, लेकिन सेकेंड इफेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्लियर। तो अगर सोल ट्रेडर के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, एक बार फिर से, सोल ट्रेडर के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल में से लेस होगा लायबिलिटी साइड पे, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और पार्टनर्स के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसकी एंट्री पीसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे टू, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि वो हमारी इनकम है। और एक इंपॉर्टेंट नोट, जो पहले कुछ जो वीडियोस बने थे उसमें ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी कैलकुलेटेड फॉर सिक्स मंथ्स, याद रखें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी कैलकुलेटेड फॉर सिक्स मंथ्स, छह महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना चाहिए। कब, इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। क्या होता है, हमको प्रॉब्लम में ड्रॉइंग दिया होगा लेकिन वो ड्रॉइंग की डेट नहीं दी होगी, ऐसा दिया होगा कि एज ड्रॉइंग या बीज ड्रॉइंग या सिर्फ ड्रॉइंग, लेकिन वो ड्रॉइंग की डेट नहीं दी होगी। तो रूल ये है कि बिजनेसमैन ने कब बिजनेस में से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, उसकी डेट हमको पता नहीं है। तो रूल ये है कि उस ड्रॉइंग के ऊपर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना चाहिए, सिक्स मंथ्स का। इट्स अ जनरल रूल, याद रखे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी कैलकुलेटेड फॉर सिक्स मंथ्स इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। समझे पक्का, एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दिस इज 29 एंड दिस इज 30। ये जो दो एंट्रीज थी 11th और 12th के लिए अलग अलग थी, अभी जो आखिरी आज की जो दो एंट्रीज है नंबर 31 एंड 32, मैं आपको बता दूं कि ये दो एंट्रीज सिर्फ 12th के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के लिए, इसलिए 11th वालों को ये दो एंट्रीज कम हो गई, उनका बोझा थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो ये जो दो एंट्रीज है उसके लिए 12th वाले खास ध्यान दें, 11th वाले भी ध्यान दें, सीखने को मिल रहा है फ्री में, सीख लो, अगले साल काम आएगा, लेकिन 12th वालों को इसी साल काम आएगा। तो 12वीं वाले एसवाईजेसी वालों के लिए ये दो एंट्रीज एप्लीकेबल है, मैंने लिखा भी है, ध्यान दें। 31, सैलरी पेबल टू द पार्टनर, जब पार्टनरशिप में कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट देता है, तो फर्म उसको क्या दे सकती है, सैलरी।
तो अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है और अगर उस पार्टनर को सैलरी देनी है तो उसकी एंट्री क्या होगी? सी सैलरी पेबल टू द पार्टनर, और ये एंट्री कहां पे है? सिर्फ एसवाईजीसी में, 12th में। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर सैलरी पेबल टू द पार्टनर? पार्टनर को सैलरी देनी है ना, देने का बाकी है, दिया नहीं, तो सैलरी देनी है तो उसकी एंट्री होगी सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पीसी अकाउंट। देखो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पीसी अकाउंट, इसके ऊपर क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसकी एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीसी अकाउंट। अब इंटरेस्ट के बदले क्या देना है? सैलरी, तो एंट्री सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पीसी अकाउंट। ए को सैलरी देनी है, सैलरी टू ए अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल या करंट। अगर बी को सैलरी देनी है तो सैलरी टू बी अकाउंट डेबिट, जिसको भी सैलरी देनी है उस पार्टनर का नाम लिखिए। देखिए डेबिट किसको दिया है? सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पीसी अकाउंट। सैलरी टू पार्टनर कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आप सबको पता है सैलरी कहां जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सारे ऑफिस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट जो है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और सेकंड इफेक्ट तो आपको जो ऊपर बताया वही है, पीसी अकाउंट क्रेडिट साइड। पीसी अकाउंट में जिस पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं उसके पीसी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय सैलरी। ए को दे रहे तो ए के कॉलम में लिखो, बी को दे रहे तो बी के कॉलम में लिखो। सिंपल, समझ गए? तो पार्टनर्स को जब सैलरी देंगे तो एंट्री क्या होगी? सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पीसी अकाउंट। पीसी कैन बी पार्टनर्स कैपिटल और करंट, और जिस पार्टनर को सैलरी देंगे उसी के कॉलम में पीसी में इफेक्ट होना चाहिए, याद रखिए। प्रॉब्लम आएगा तब भी समझ में आ जाएगा। और सैलरी को लेकर एक इंपॉर्टेंट नोट है कि सैलरी कैन बी पेड ऑन मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस। प्रॉब्लम में दिया होगा कि ए इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ रूपीज 5000 पर मंथ। तो आपको प्रॉब्लम में दिया है कि ए को सैलरी मिलनी चाहिए 5000 पर मंथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5000 पर मंथ है ना, तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी? तो 5000 इंटू 12 कितना हो गया? 5000 इंटू 12 60000, तो आप 60000 लिखेंगे। और अगर प्रॉब्लम में दिया है कि ए इज एंटाइटल टू रिसीव द सैलरी ऑफ रूपीज 50000 पर एनम, तो पर एनम सैलरी दी हुई है आपको 50000, तो आपको 50000 लिखना है। सो यू हैव टू चेक इट आउट, इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम एज पर द एग्रीमेंट, कि जो सैलरी देनी है वो पर मंथ दी है या पर एनम दी है। पर मंथ है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, और पर एनम दी है तो डायरेक्ट लिखो। विल सी टू इट। सो सैलरी कैन बी पेड ऑन मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के टर्म्स आपको प्रॉब्लम में दिए होते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो ये भी आना चाहिए। यहाँ पे हमने पार्टनर को क्या दिया? सैलरी। तो यहाँ पर हम पार्टनर को देने जा रहे हैं कमीशन। कोई पार्टनर एक अच्छा सेल्समैन है, उसकी वजह से हमारे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, वो अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? कमीशन। तो अगर कोई पार्टनर ज्यादा एफर्ट दे रहा है तो उसको हम क्या दे सकते हैं? कमीशन। तो लास्ट एंट्री आज की, कमीशन पेबल टू पार्टनर, ये भी किसमें आएगा? 12th में, एसवाईजीसी में। यहाँ पे क्या एंट्री थी? सैलरी टू पार्टनर टू पीसी, तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं? कमीशन। एंट्री कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पीसी अकाउंट। सैलरी के बदले क्या दे रहे हैं? कमीशन। ए को कमीशन दे रहे हैं, कमीशन टू ए अकाउंट डेबिट। बी को दे रहे हैं, कमीशन टू बी अकाउंट डेबिट। जिसको भी दे रहे हैं, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पीसी अकाउंट। कमीशन टू पार्टनर भी कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी कमीशन एक किस्म का सेलिंग एक्सपेंस है, और सेलिंग एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। सारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसलिए कमीशन जो आपने पार्टनर्स को देना है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और पीसी अकाउंट क्रेडिट साइड। ए को कमीशन देना है, ए में लिखो बाय कमीशन, और बी को देना है, जिस पार्टनर को कमीशन देना है उसके कॉलम में लिखो पीसी अकाउंट कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। देखो कितना कनेक्शन है आपस में एंट्रीज का, एक से आपको दूसरा समझ में आता है और तीसरे से चौथा समझ में आता है। इसलिए ध्यान दो, ये लिंक आपका बहुत कड़ी, आपकी मजबूत बननी चाहिए। प्लीज पे अटेंशन। स्मार्ट वर्क के साथ यहाँ हार्ड वर्क की भी बारी है, भूले नहीं आप इस बात। और कमीशन को लेकर नोट क्या है कि कमीशन कैन बी पेड एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। आपको प्रॉब्लम में दिया होगा कि ए को कमीशन मिलना चाहिए 5% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसका 5% कमीशन निकाल के आपको देना पड़ेगा। या दिया होगा कि ए को कमीशन मिलना चाहिए 2% ऑफ सेल्स, नेट सेल्स, तो आपको नेट सेल्स का 2%। इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम कि जो भी कमीशन देना है वो नेट सेल्स पे देना है या ग्रॉस प्रॉफिट पे, इट विल बी गिवन। तो इसलिए नोट है कि कमीशन कैन बी पेड एट अ सर्टेन परसेंटेज, परसेंटेज विल बी गिवन, एंड दैट परसेंटेज ऑफ व्हाट? या तो नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे जो आउटर कॉलम में आएगा ना, सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके जो आउटर कॉलम में आता है उसको नेट सेल्स कहते हैं। तो अगर उसका परसेंटेज लिया है तो उसका परसेंटेज निकालो, और ग्रॉस प्रॉफिट पे बोला है तो ग्रॉस प्रॉफिट पे निकालो। इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम एज पर द एग्रीमेंट। समझ गए? तो ये चारों एंट्रीज आज की किससे रिलेटेड थी?
ओनर्स है, और ओनर्स कौन, या तो सोल ट्रेडर या पार्टनर्स। फटाफट फिर से रिवाइज करते एक बार इस तरफ। एंट्री नंबर 29, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे सकते हैं, सोल ट्रेडर को और पार्टनर्स को भी। सोल ट्रेडर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है FIGC वाले 11th वाले, तो उसकी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि वो फाइनेंस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और कैपिटल में एड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को बढ़ा देता है। 12वीं वाले SYJC वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PC अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि फाइनेंस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और PC अकाउंट क्रेडिट साइड, PC अकाउंट जो बनेगा अलग से, वो FIGC में नहीं बनता, क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। PC स्टैंड्स फॉर पार्टनर्स कैपिटल और करंट। और उसको लेकर नोट यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट कीजिए आप, कैपिटल पे। करंट अकाउंट का परसेंटेज मत निकालो, कैपिटल का परसेंटेज निकालना प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसी का उल्टा यहाँ पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी सोल ट्रेडर अगर है, सोल ट्रेडर ने ड्रॉइंग किया, तो उसकी एंट्री देखिए इसका उल्टा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, व्हाट इज एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ सोल ट्रेडर। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। कैपिटल में से क्या होगा, लेस लाइबिलिटी साइड लेस फ्रॉम कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे लिए वो इनडायरेक्ट इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल में से लेस होता है, इसलिए कैपिटल कम हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में एड होता है, इसलिए कैपिटल बढ़ जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे, क्योंकि वो इनकम। और पार्टनर्स के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसकी एंट्री PC अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ऊपर क्या है, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल के बदले PC अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। PC स्टैंड्स फॉर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड पे आपको लिखना है, फॉर्मेट देखिए उसमें समझ में आ जाएगा। और क्रेडिट वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि इट इज आवर इनकम, कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। और इंपॉर्टेंट नोट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। जनरली द डेट ऑफ ड्रॉइंग विल नॉट बी गिवन, इसलिए जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे तो फुल ईयर का नहीं आएगा, कितने मंथ का आएगा, 6 मंथ का, याद रखना इस बात को। तो ये दो एंट्रीज 11th में भी है और 12th में भी है, अपनी अपनी एंट्रीज देख लीजिए, 11 वाले 12 वाले। लेकिन आखिरी दो एंट्रीज सिर्फ 12th में है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं तो फर्म उनको क्या दे सकती है, सैलरी। सो सैलरी पेबल टू पार्टनर्स की एंट्री, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू PC अकाउंट। ए को सैलरी दी, सैलरी टू ए टू PC। बी को सैलरी दी, सैलरी टू बी। एंट्री सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू PC अकाउंट। सैलरी टू पार्टनर का आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और PC अकाउंट क्रेडिट साइड पे जिस पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं उसी के कॉलम में लिखिए बाय सैलरी। और सैलरी को लेकर नोट है कि सैलरी कैन बी पेड ऑन मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस। प्रॉब्लम में मंथली दिया है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, और ईयरली दिया है तो ऑलरेडी गिवन, आपको 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इधर लास्ट, कमीशन दे रहे किसी पार्टनर को तो एंट्री कमीशन टू पार्टनर टू PC अकाउंट। कमीशन भी क्या है, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और PC अकाउंट क्रेडिट साइड, जिस पार्टनर को दे रहे उसी के कॉलम में बाय कमीशन। और कमीशन किस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स पे या ग्रॉस प्रॉफिट पे। इट विल बी गिवन एज पर दी एग्रीमेंट, इट विल बी गिवन कि सेल्स का परसेंटेज निकालो, नेट सेल्स का तो उसका परसेंटेज निकालो, और ग्रॉस प्रॉफिट का है तो ग्रॉस प्रॉफिट का। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। सो दीज आर 4 बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एंट्रीज। 32 एंट्रीज हमारी हो चुकी है और हमको 8 एडजस्टमेंट सीखने, 40 का आंकड़ा पूरा करने वाला। 40 एडजस्टमेंट सीखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है फॉर्मेट क्या है, एडजस्टमेंट्स क्या है। जब तक ये एडजस्टमेंट्स फॉर्मेट्स ये सब क्लियर नहीं होगा, तब तक आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें ना। सो यू हैव टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग। तो ये आज हमारे 32 एडजस्टमेंट्स पूरे होते हैं। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, उसमें भी कुछ दो कम से कम और दो वीडियोस बनेंगे, 4-4 एडजस्टमेंट्स के। तो 8 एडजस्टमेंट्स अगर ऐड कर देंगे आप, 32 में 8 ऐड कर दोगे तो 32 और 8 40 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान से देखिए, पिछले एडजस्टमेंट्स को ध्यान से देखिए, पिछले वीडियोस को ध्यान से देखिए। हर बात की तरह रटा रटाया डायलॉग बोल रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन इट्स माई ड्यूटी आपको याद दिलाऊं, चार्ज करते रहूं कि पढ़ते रहिए, बार बार वीडियोस को देखिए, टेक्स्ट बुक पढ़ते रहिए, अदर सब्जेक्ट्स जो आपके बाकी के भी थियरी सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़ते रहिए, बेस को मजबूत बनाए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और एडजस्टमेंट्स आपके सामने लेके आऊंगा एक दो दिन में, तब तक के लिए